इस वेले की अहम खबर अमृतसर तो जिथे एक आर्मी के जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जानकारियां भेजने का। अमृतसर देहाती पुलिस के वलों यह एक्शन लिया गया है कि एक आर्मी के जवान के वलों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को गुप्त सूचनावां भेजिया जाती जिसके तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस जवान को अरेस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो बेहद ज़्यादा अहम खबर कि पाकिस्तानी एजेंसियां एक आर्मी का जवान खुफिया एजेंसियां भेज खुफिया जानकारियां भेज रहा है जिसके तहत अमृतसर रूरल पुलिस के वलों यह कार्रवाई की गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां की सूचना के आधार के उपर ही यह एक्शन लिया गया है ते कार्रवाई शुरू की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया लेकिन अरेस्ट होनी हाले बाकी है। अरेस्ट करने की जो कवायद है वह भी की जा रही है। दसिया जा रहा है कि आर्मी के जवान की पछाण उत्तर प्रदेश के पिंड उसारा रसूलपुर के रहने वाले मनोज चौधरी के रूप दे विच हुई है जिसके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। अक्सर यह खदशा बनिया रहा है कि जो पाकिस्तान है अपनी नपाक हरकतों तो बाज नहीं आता, हथियार होवे नशा होवे उसकी तस्करी की जाती है, हमेशा भारत के खिलाफ कार्रवाइया दे विच जुटिया रहा है। तो खास तौर पर अमृतसर तो अजिहियां खबरां सामने आंदियां ने कि कभी कोई पाकिस्तानी एजेंट या जसूस गिरफ्तार किया जाता है। हाले कुछ महीने बीते ने जदों रेलवे स्टेशन के बाहरों भी एक जसूस अरेस्ट किया गया सी जो बाहर लेमन सोडा की रेहड़ी लगाता सी अते पाकिस्तानी एजेंसियां नू खुफिया जानकारियां भेजता सी। लेकिन हुण एक आर्मी के जवान के खिलाफ ही अजिहा मामला दर्ज किया गया है जिसके उपर इल्जाम लगे ने कि उसके वलों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नू गुप्त सूचनावां भारत तो भेजिया जांदियां सन। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां दे अलर्ट तो बाद उन्हां तो मिली सूचना के आधार के उपर अमृतसर की जो देहाती पुलिस है उन्हां दे वल्लों यह मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल गिरफ्तारी के वास्ते जो है वह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरे सहयोगी ज्योति बहल होर जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद ने। ज्योति हुण तक की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कितनी देर तो यह शख्स यह काम करता पाया जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? देखो अरमन जिस तरह के जानकारी मुताबिक अमृतसर रूरल पुलिस ने केस दर्ज किया है जिसे एक आर्मी जवान है जरा के जिसे खिलाफ खुफिया जड़िया सूचनावां देन दा मामला दर्ज किया है। ये विभाग केंद्रीय विभाग के कहने के कार्रवाई करते हुए जरा जी देहाती पुलिस है उसने मामला दर्ज किया है। ड्यूटी का रहने वाला दसा जा रहा है जरा जवान है उसको गिरफ्तार किया करन दी अजे गल कही जा रही है पर जो जानकारी मिल पा रही है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है पर अजे फिलहाल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑफिशियली कोई नहीं दस रहा इस बारे के जवान को गिरफ्तार कर लिया है या नहीं पर अजे जो जानकारी मिल पा रही है यह पता लग सके है कि इसकी ड्यूटी किथे सी आर्मी के जवान की ड्यूटी किथे तैनात सी। देखो अमृतसर का जरा कुछ एरिया हैगा जरा कि जिसनों अमृतसर कैंट और अमृतसर कैंट टू अमृतसर कैंट थ्री ये तीन एरिया होंगे ने जिसे आर्मी के जवान तैनात रह मतलब रेंदे भी नहीं उठे और जो आर्मी का काम है आर्मी जड़ी जड़ी जगह पर तैनात है उसे दसिया दसन वाली गल नहीं बार क्लीयर नहीं होंगी है पर यह तिना ही एरिया के ही कितने रह रहा है और किसी आर्मी ने ही किसी उसे काम कर रहा है सो जो रूरल पुलिस हैगी है उसको एक बहुत वड्डी कामयाबी इहनूं कह सकदे हां कि एक आर्मी जवान सूचनावां दे रहा सीगा लेकिन कम करदा सी पाकिस्तान दे वास्ते पाकिस्तान दी खुफिया एजेंसी ISI दे वास्ते जिसनूं जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हुंदी है देश दी ओह भेजदा सी। केंद्रीय एजेंसियां ने यह सूचना दित्ती जिहदे बाद अमृतसर देहाती पुलिस दे वल्लों कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज कर लिया गया। तो सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आ रही है कि इस आर्मी दे जवान नूं अरेस्ट भी कर लिया गया है।
बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435032321